जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? आपके बारे में पूछते हैं। बोलते हैं कि गुरुजी, हम माला से भी जाप करते हैं, मानसिक भी करते हैं, उपांशु भी करते हैं और वाचक भी करते हैं। माला से भी कर लेते हैं पर उनको किसी प्रकार से फल नहीं मिल रहा। वह पूछते हैं, जब हम जप करते हैं तो कौन से चक्र जागृत होते हैं? अगर वह जागृत होते हैं तो उनके लक्षण क्या है? तो इसके बारे में मैं आपको जाप के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जाप एक ऐसी है जो आपको आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकता है। जैसे कि आपकी आत्मा और परमात्मा का टच मिलन हो जाता है। वो कौन करवाता है या कोई सच्चा गुरु करवाता है? ये आपको विधि द्वारा, जाप की विधि द्वारा करवा सकता है, करवाया जा सकता है। वह जाप आप ध्यान लगाकर कर सकते हो, आसन से कर सकते हो, माला से कर सकते हो, मौन रह के कर सकते हो और आप मन ही मन उस जाप को कर सकते हो। जिस प्रकार से आप जाप करोगे आपकी धीरे धीरे ऊर्जा और एनर्जी वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको जिस देवता का नाम लेकर आप करोगे आपको उनके भाव आते रहेंगे। अगर आप किसी देवता का नाम लेकर जप करते हो, जैसे भगवान शंकर का जप करते हो तो ओम नमः शिवाय, आप जितना जप करोगे आप भगवान शंकर की ओर जाते जाओगे, आपके भाव वैसे ही हो जाएंगे। आप अगर किसी प्रतिमा को ध्यान मुद्रा में लेकर जाओगे तो ध्यान होगा और भगवान शंकर का विराट रूप मन में लेकर आओगे तो आपको वैसा ही भाव आएगा। आपका भाव मायने रखता है कि आप जप किस प्रकार से कर रहे हो। अगर आप कुंडली शक्ति को देखते हो तो पहला यह है कि जब आप लंबे समय तक जप करते हो तो आपको काम, क्रोध, मत, लोभ, ये सभी इंद्रियां आपकी जागृत रहती है। हमें इनको कंट्रोल करना होता है। आपको जितना जप करोगे, जितना भी आप जप करोगे उतना जप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। चाहे आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो। अगर आप सोचो कि आज हमने शुरू किया है तो एक घंटे तक आज लगातार बैठे हो तो आपसे कभी भी नहीं बैठा जाएगा। ये एक जैसे शनि महाराज धीमी गति से चलने वाले ग्रह के देवता है वैसे ही एक जप है। जैसे आज आप शुरू करते हो 5 मिनट, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, ठीक है, धीरे 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 करके बढ़ता है। अगर आप कभी भी आपने जप नहीं किया है तो जप की जो शुरुआत करते हो तो आपको एकदम कभी भी जप नहीं होगा। जब आप 1 महीना 2 महीना जप करते हो तो आपके काम भाग बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, जिससे आपके मन में जो जाप करते हो वह गंदे विचार आते थे, मलिन भाव आते थे, वह धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। समझो आपका उसी वक्त जो मूलाधार चक्र से आपकी कुंडलिनी शक्ति है वह जागृत हो रही है। अगर आप उस सतह से ऊपर उठते हो, धीरे धीरे आप अलग अलग चक्र की ओर जाते हो, या जैसे आप करते जाओगे 1 वीक 2 वीक 1 मंथ, ठीक है, जितना आप जल्दी जप करोगे आपकी धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। हर कुंडलिनी का अलग अलग अपना महत्व है। जैसे आप मूलाधार चक्र से उठ जाते हो तो आपकी काम भावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप काम भावना को खत्म करके उस देवता की ओर आकर्षित होने लगते हो। आपका भाव ऊपर उठने लगता है और धीरे धीरे करते करते आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है, जिससे आपको जो नेगेटिविटी है वह शरीर के बीच में से स्थान को प्रस्थान करती है, बाहर निकलती है और आपकी बॉडी में अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिविटी
ऊर्जा ग्रहण करती है, जिससे आपके शरीर में अगर कोई भी मलिनता भी हो सकती है तो दर्दों के रूप में शरीर से निकलती जाती है, जिससे भगवान आपके शरीर में वास करते हैं। फिलहाल भगवान हर किसी के शरीर में वास करते हैं, क्योंकि सभी कहते हैं आत्मा में समात्मा होती है। अगर आप लंबे समय तक उस आत्मा को जाप करके जगाते हो तो आपके आत्मा को जगाने के साथ साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, जिसके आपको अलग अलग फायदे हैं। आपकी दृष्टि भी खुल सकती है, आपका कपाल सारा खुल सकता है, आप परमात्मा की ओर प्रस्थान कर सकते हो। जो मनुष्य का जीवन है भगवान को पाना वो आप पा सकते हो, और दृष्टि खुलने के साथ साथ आप अनेकों लोगों का भला कर सकते हो और भगवान स्वयं आपको दर्शन दे सकते हैं। जप करने से आपके धीरे धीरे गोले बनते हैं, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, पांच गोला, छह गोला, सात गोला, आठ गोला, ये पूरे 12 गोले होते हैं। अगर आपके 3 गोले बन जाते हैं, उसके बाद आपको कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा व प्रेत बाधा कभी भी झपट्टा नहीं मार सकती। अगर आपके ऊपर बार बार कोई तांत्रिक तंत्र विद्या करता है या आपको कोई किसी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा महसूस होती है, आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके ऊपर कभी भी नकारात्मकता ऊर्जा ना लगे। सभी बच्चों को आजकल जप करना चाहिए। जो हमारे पास इलाज कराने भी आते हैं, हम उनको हमेशा स्पेशल ही जाप से जोड़ते हैं। जो जिस धर्म का है उसको उसी धर्म से हम जाप करना उस धर्म में हम जोड़ देते हैं। जाप करना चाहिए, पाठ करने चाहिए, कोई भी एक ऐसी स्तुति लेनी चाहिए, चालीसा लेना चाहिए, जिससे वह उसका ध्यान कर सके और परमात्मा की प्राप्ति पा सके और नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। जबकि जिंदगी में बहुत ज़्यादा महत्व है, जप करना चाहिए। और जब और जो बच्चे दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं जो बच्चे दृष्टि से जुड़ना चाहते हैं इस कार्य को करना चाहिए। आपके पास दृष्टि के साथ साथ देवता का भी बल भी होना चाहिए। आपको कोई भी स्त्रोत चालीसा आरती जरूर करनी चाहिए। अपने इष्ट को जो दिन होता है उनको भोग लगाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे दृष्टि के साथ साथ वह आपको दर्शन दे और आपके अन्य कार्य भी पूरे करे। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।